ये वीडियोस मेरी अपनी दोस्त आयशा नाज और संदल हटक ने वायरल की। मेरा रिकॉर्ड भी मौजूद है कि मेरा आयशा नाज ने मोबाइल का डेटा हैक किया था तो मैं साइबर क्राइम गई। यही लड़कियां मेरे घर में आती थी, मेरे साथ रहती थी, इन्होंने ही ऐसा किया है। जो वॉशरूम वाली वीडियो है वो भी जो बनाई थी उसमें जो मैंने शर्ट पहनी हुई है वो भी मैंने आयशा की पहनी हुई। तो मैं उसे कुछ तरह से तो बहुत दिनों से पूरे सोशल मीडिया पर एक आरा चल रहा है कि रीम शाह के मुतल्लिक मोहतरमा साहबा ने कोई नया कट्टा खोले जिसमें वो बाथरूम में अपने दांत को ब्रश कर रही हैं। मकसद दांत ब्रश करना नहीं बल्कि नंगे होकर भी कितनी बड़ी बात नहीं है बल्कि वीडियो बनवाई है मैडम जी ने। पहले जल्दी से इंटरलाइन को बोल ले फिर चलते सीधा मुद्दे पर। तो फिर चलो भाई ये वीडियोस जो हैं ये मेरे अपार्टमेंट और मेरे घर के अंदर की हैं और ये वीडियो किसी भी थर्ड पर्सन ने वायरल नहीं की। ना तो मेरी किसी के साथ दुश्मनी है और ना मेरे किसी के साथ भी कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि मैं ये सोचते में मजबूर हूँ कि कोई तीसरा बंदा ऐसा कर सके। ये वीडियोस मेरी अपनी दोस्त आयशा नाज और संदल खटक ने वायरल की। हाँ बिल्कुल, आयशा नाज पर तो लानत भेजो कि भाई हमने सिर्फ सिर्फ ना संदल खटक और हरीम शाह का नाम सुना अब तक। तो ये वही हरीम शाह और सुनील खट्टर हैं जो कि स्टार से लेकर फिलहाल के लिए अब तक साथ हैं, जो कि पाकिस्तान में यकियां लगाने के लिए टॉप पर हैं। चाहे वो 2019 में फॉरेन ऑफिस में घुस जाना जहां पर तुम्हारे और मेरे जैसे बंदा ना सामने से गुजर भी नहीं सकता, या फिर चाहे 2021 में मुफ्ती कवि को मुंह पे चपेड़ मारना वो भी हरीम शाह से। तो तुम लोग खुद गैप देख रहे हो कि भाई दो दो साल का गैप कैसे रखा हुआ है मैडम जी ने, और आज 2023 है तो वही दो साल का गैप देकर अपने आप को नंगा करवा के पूरी दुनिया के सामने काणी होगी। कुछ दिन मतलब 3-4 दिन पहले मेरी एक दोस्त के पास आयशा नाज गई और उसको कहा कि मेरे पास वीडियोस हैं मैं वायरल करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। तो ये आयशा नाज और संदल खटक ने जो है तो मिलके वीडियोस वायरल की है, मेरे घर की मेरी पर्सनल वीडियोस वायरल की। सब ड्रामा है भाई, बीबी खोले वर्ल्ड टूर मारी है और अब आकर जब ये दोबारा लोगों की नजरों में आई है तो भाई इन्होंने सब कुछ एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। भाई मैं तो साइबर क्राइम के पास गई थी, उन्होंने तो मेरी की हेल्प की क्योंकि भाई वो तो प्रूफ मांगते हैं। भाई जो इज्जतदार लोग होते हैं वो अपनी ही लीक फुटेज को वायरल नहीं करवाते, और सेकंड बैंड है जो उनको तो रातों को नींद भी नहीं आती क्योंकि भाई उनका नंग बन लोगों के सामने घूम रहा होता है और उन लोगों के जेब में 10,000 चीजें चल रही होती है। पता नहीं अभी भी ये सब कुछ सुनने के बाद कौन से कुछ चूतिया लिबरल लोग हैं जो कि अभी तक इनको सपोर्ट करते हैं और मोहतरमा ये बोलने कि मेरे घर की पर्सनल वीडियोस वायरल हुई हैं। मैडम जी को शायद इतना नहीं पता कि हरीम शाह वीडियो में जो हरकतें कर रही है वो हीरा मंडी की लड़कियां भी नहीं करती होती। लिटरली अगर तुमने वाली वीडियो देखी है जिसकी मैं बात करूं तो शायद तुमको पता लग गया होगा कि मैं किस चीज की तरफ इशारा दे रहा हूं। और हाँ एक और बात, मैडम जी उसको पैर को बोसा देना नहीं कहते बल्कि चुपा मारना बोलते हैं। तीसरी या चौथी वीडियो है आई थिंक जिसमें आप पांव का बोसा ले रही हैं, तो वो बिल्कुल वो मेरी बिलाल के साथ वीडियो है। वो हम इस्लामाबाद में थे और बिलाल की पांव वाली साइड पे मैं सोई हुई थी। अच्छा, तो इस सारे अमल से आपकी अज़दवाजी जिंदगी जो है वो कितनी मुतासिर हो रही है? लंड मेरा मुतासिर होगी पैन, खुद नहीं देख रहे कितनी कॉन्फिडेंट है अपनी बेशर्मी को लीक करवा के भी। तारीख गवाह है कि भाई जब जब हरीम शाह ने कंट्रोवर्सी में कदम रखा है वो कंट्रोवर्सी कम से कम 2 महीने तक चली है। और वही बात बोलूंगा चाहे वो फॉरन ऑफिस वाला सीन हो या फिर मुफ्ती कवि वाला इंसिडेंट, ये मीडिया दुनिया की खबर छोड़कर हरीम शाह के चक्कर में पड़ जाती है बहन चोर की। देखो भाई इसकी तो वीडियो वायरल हो चुकी है ना, हमारे चैनल की तो TRP बढ़ेगी बहन चोर, और आवाम के हालात तो ऐसे कि इस महंगाई के दौर में भी बैंड चुट आटे के बजाय लिंक मांग रही है। चलिए यार मैं एक और बात तो बोलूंगा कि यार हरीम शाह ने इतनी तो बात मान ली कि यार वीडियो में वो थी। अक्सर लोग तो बात को मानते नहीं कि भाई मैं वीडियो में था या नहीं था, हरीम शाह इतने तो मान रही है ना। देखो भाई लॉयल्टी है ना, तुम लोग कम से कम दाद दो। लोड़ा मेरा दांत तो उस वक्त मेरे साथ मतलब मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ आयशा नाज रहती थी और मेरी जो वॉशरूम वाली वीडियो है वो भी जो बनाई थी उसमें जो मैंने शर्ट पहनी हुई है वो भी मैंने आयशा की पहनी हुई थी उस दिन, और वो भी मेरे घर इधर कराची की बनी हुई है। मुझे एक एक जगह जहाँ जहाँ की वीडियो और जिस चीज मेरे अपार्टमेंट की है, एक वीडियो मेरे अपार्टमेंट कराची की बनी हुई है और एक मेरी वीडियो अपार्टमेंट इस्लामाबाद की बनी हुई है, और दोनों जगह मेरे साथ आयशा नाज मौजूद थी। अच्छा अच्छा, तो हम तो चूतिया हैं फिर, इधर लोग तो अंधे हैं, हमारी आंखों में तो मोतिया उतरा हुआ है, हमें तो कुछ दिखता ही नहीं है मैडम चोत, हमें तो कुछ नजर ही नहीं आता ना। उस वीडियो में तो मैडम जी किसी लड़की के साथ नहीं जिसका ये नाम ले लिया कोई आयशा नाज पता नहीं जो भी है, बल्कि एक लड़का था और बकौल इनके वो इनका हस्बैंड है। और कपड़े कौन से मैडम, आपने तो कपड़े पहने हुए नहीं थे। सॉरी यार, नहीं यार एक में तो उसने कपड़े पहने हुए थे, वो कपड़े पहन कर अंगूठे को चुप रही थी। और तुमको एक बार बता दूं कि यार वीडियोस की 4 नहीं बल्कि 5 है, बल्कि 5 भी नहीं बल्कि जब मैं ये वाली वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मेरे को पता लगा कि भाई 6 वीडियोस वायरल हो चुकी हैं। और हाँ अब यार मेरे से कोई लिंक ना मांगना बहन चोद, मैं कोई दलाल नहीं हूँ, खुद जाकर देख लो यार इंटरनेट सारा भरा हुआ है। फैमिली चूंकि मैं मैरिड हूँ और मैं सईद फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरी फैमिली इतनी बोल्ड नहीं है। बेशक मेरे हस्बैंड मेरे साथ स्टैंड करते हैं, मेरे हस्बैंड हर बुरे और अच्छे लम्हे में क्योंकि उनको मुझ पे आंखें बंद करके ट्रस्ट है, और उनको सारी उनको बहुत अच्छे से मेरी दोस्तों का भी पता है, और उनको इस बात पे यकीन है कि ये सब कुछ आयशा नाज ने की है, बल्कि किया आयशा नाज ने, हमारे किसी के साथ कोई भी इख्तलाफात नहीं है। यार सबसे पहली
बात तो ये है कि अपने नाम जाके ना सैयद ना लगाओ, जब सैयद की हिस्ट्री ना बताओ ना तो उसके नाम की बेहरमती नहीं करते होते। और दूसरी बात, आपकी हरीम शाह का हस्बैंड अगर उनका इतना ही साथ देता है ना, तो वो अन्नी का बच्चा है किधर, उसको लाओ ना सामने, वो किधर मर गया। इतने दिन हो गया, सोई एक भी बयान सामने आया नहीं है जब तक ये वाली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। सच कहते हैं भाई, कर्मा बड़ी कुत्ती चीज है। कल को ये लोगों को एक्सपोज कर रही थी, आज इसी की वीडियो दुनिया में घूम रही है और सभी लोग इस पर ना लान तान कर रहे हैं। मुफ्ती कवि साहब की वायरल हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि आज मुझे इंसाफ मिल गया, या मैंने, मेरे साथ जो हुआ था मुझे उसका जो है वो देखिए मुफ्ती कवि को इंसाफ मिला या ना मिला, उसने गलीज हरकत की थी और वो जो भी था वो बहुत पब्लिकली था। वो उस मौलवी होके मुफ्ती होके उसको इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी कि इस तरह की वो करे। हरीम शाह की रिस्पेक्ट तब तक थी जब तक इसने कवि को एक्सपोज किया था। अब हरीम शाह नहीं बल्कि हरामण शाह बन गया है। अब जो लोग इसको सपोर्ट भी करेंगे या फिर कर रहे हैं, उनसे मेरा एक सवाल है कि जब तक तुम अपनी वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड नहीं करते तब तक वो वायरल नहीं जाती। भाई गोरे ने इंटरनेट तो बना के दे दी है, मगर यहाँ जायल अवाम को अभी तक उसका यूज तक नहीं करने आया। चवल ये लोग हैं, बहन से पब्लिक में आने के लिए वाकई अपने आप को नंगा करवा ही देते हैं। अभी भाई सारी बातों को छोड़ो, ये वीडियो देखने के बाद तुमको ऐसा लग रहा है इस लड़की को थोड़ा सा भी गिल्ट है, खुद देखो एक बार। ये मतलब ये संदल हटक और आयशा नाज जो कि मेरी अपनी दोस्तें थी, उन्होंने वायरल की हैं। और कैसे उन्होंने वायरल की हैं, क्योंकि मेरे साथ उठती बैठती थी, खाती पीती थी, रहती थी। अगर थोड़ी सी भी गैरतमंद लड़की होती तो ये कभी भी अपने बालों को इस तरह छेड़ ना रही होती और स्टार्ट में हॉर्नी फेस बना के ना बकवास करने से कुछ भी नहीं होगा। कंक्लूजन इस वीडियो का ये है कि हरीम शाह को सपोर्ट करने वाले #MarchDao अब बंद करो यार इसको। तो भाई लोग देखो, अगर तुमको इस वीडियो में थोड़ा सा भी लॉजिक मिले तो जाकर मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो मारो, इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ठोक देना और वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर मारना मत भूलना। और सेकंड ऑफ ऑल, मैं अपने कमेंट सेक्शन को डिसेबल नहीं करता, तो भाई तुम्हारे जिन में जो भी ओपिनियन है तुम लोग ये कमेंट में आके लिख सकते हो, लेकिन अगर गाली दोगे तो गाली के जवाब मैं गाली से ही दूंगा, सीधी बात है। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए शेक के रखो।